का एग्जाम दे रहे हो तो तुम भी तो लोएस्ट रैंक चाहते हो ना कि मैम मेरी रैंक ऐसे आए 1, 2, 3, 10 है ना। हम हायर मोबाइल नंबर जितनी रैंक थोड़ी चाहते हैं हम। तो ऐसे ही तुम्हारे सब्सिट्यूट में बोल रहे हैं कि भाई देखो जितना कम नंबर दिलवा सकते हो भैया दिलवा दो हमें। ऐसे होता है ना घर पे डाइनिंग टेबल पे एक हेड चेयर होती है ना जिसपे घर के बड़े ग्रैंड पेरेंट्स बैठते हैं। सो इट्स लाइक दैट सफिक्स 2 होता है। हमारे कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो अपन एंड में क्या लगाते हैं कंपाउंड के, ओइक एसिड। ये अपने सफिक्स 2 होते हैं हेड ऑफ द फैमिली। क्या अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है? आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस। एग्जाम के जितने पास होते हो उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। यू डोंट हैव टू डाउट योरसेल्फ कि मैम पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं सिलेक्शन। अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा। Hi, welcome to Vedantu. I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं। So, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं quick revision of our general organic chemistry JE mains के लिए। ठीक है, तो exam से पहले सारे ज़्यादा sessions देखने का time नहीं है, बहुत ज़्यादा theory पढ़ने का time नहीं है। तो इस session का objective है कि आप सारे concepts को एक बार quickly revise कर लो और इसके just बाद आप question solving कर सको। तो इस session के बाद ही आपको DPP भी solve करना है जो शिल्पी मैम ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है। तो मेक श्योर वो जाकर देकर आप देखें कि हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन दिस सेक्शन। ओके, चलो तो शिल्पी मैम के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वैल्यूइंग आवर टाइम, तुम्हें इस सेशन के साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग शिल्पी मैम विल प्रोवाइड यू द नोट्स, है ना। सो आई विल गिव यू द हैंड रिटन नोट्स आफ्टर द क्लास। जैसे ये सेशन खत्म हो जाएगा मैम विल सेव दिस फाइल और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपलोड करा दूंगी नोट्स को। ऑन द अदर हैंड आप टेलीग्राम पे जाकर भी इसे ले सकते हैं। ठीक है, चलो मेन टॉपिक से शुरुआत करेंगे। जीओसी से एक सवाल जरूर आता है। अगर मैं तुम्हें बताऊं वो एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मतलब हाई चांसेस होते हैं कि वो एरोमेटिसिटी से सवाल पूछते हैं, हकल्स रूल से। उसके अलावा अल्टरनेटिवली नॉमेनक्लेचर पे एक क्वेश्चन आ जाता है जो बहुत आसान होता है, लाइक इट वुड बी वेरी इजी। अगर तुम्हें बेसिक नॉमेनक्लेचर का आइडिया है तो भी ऑप्शंस को देख के तुम नॉमेनक्लेचर का सवाल आराम से बना पाओगे। ठीक है, उसके अलावा कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन जो कि रिंग एक्सपेंशन वाला केस होता है, बहुत कॉमनली एग्जाम में देखने को मिलने लगा है अब। तो इन चीजों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। सेशन के अंदर मैम सारे इफेक्ट्स पढ़ाएंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, देखो तो जो नॉमेनक्लेचर होता है ना उसमें हमारा फ्लो क्या रहता है। सबसे पहले वी आर हैविंग अ प्रीफिक्स 2, हमारे पास प्रीफिक्स 2 होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं कुछ लोग इसे, प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, वर्ड रूट होता है, प्राइमरी सफिक्स होता है और सेकेंडरी सफिक्स होता है। अगर मैं सेकेंडरी सफिक्स की बात करूं तो ये तो होते हैं हेड ऑफ द कंपाउंड। जैसे होता है ना घर पे डाइनिंग टेबल पे एक हेड चेयर होती है ना जिसपे घर के बड़े ग्रैंड पेरेंट्स बैठते हैं। सो इट्स लाइक दैट सफिक्स 2 होता है। हमारे कंपाउंड के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, जैसे अगर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो अपन एंड में क्या लगाते हैं कंपाउंड के, ओइक एसिड, है ना। अगर एल्डिहाइड उस कंपाउंड में सफिक्स 2 है तो अपन एंड करते हैं अल के साथ। अगर अल्कोहल है तो अपन लगाते हैं ओल, है ना, सो ऑन। तो एस्टर होता है तो ओएट लगाते हैं। तो ये अपने सफिक्स 2 होते हैं हेड ऑफ द फैमिली, राइट। फिर उसके बाद सफिक्स 1 में तुम्हारे कौन आते हैं, जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड कैसा है। अगर सिंगल बॉन्ड है तो वो एल्केन्स होते हैं, राइट। अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वालों एल्काइन्स होते हैं। तो उसके लिए इन आइन जो भी एप्लीकेबल है वहां आता है, उसकी पोजिशन भी अपने को मैंशन करनी होती है। ओके, वर्ड रूट तुम्हारा फेवरेट पार्ट होता है। दिस इज सिंपल, कितने कार्बन है तुम्हारी पैरेंट चेन के अंदर। जैसे एक कार्बन के लिए अपन वर्ड रूट यूज करते हैं मिथ, है ना, जब कार्बन एक होता है। दो के लिए इथ, प्रॉप एंड सो ऑन, ये सारा लाइक यूज कंटिन्यू। दिस 9 तक ध्यान रखना, दैट इज सफिशिएंट, राइट। प्रीफिक्स 1 के अंदर हमारे आते हैं साइक्लो, बाई साइक्लो, स्पाइरो। अब मेन्स की अगर मैं बात करूँ, मेन्स में बाई साइक्लो और स्पाइरो नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर मेन्स को ही सिर्फ टारगेट करके सेशन की बात करें तो साइक्लो आ जाएगा, अगर कोई लाइक यू ना साइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए प्रीफिक्स 1। प्रीफिक्स 2 में तुम्हारी चिंदू जो चीजें बच जाती हैं, जैसे कि ब्रांचेस पैरेंट चेन को छोड़कर, जैसे तुमने एक पैरेंट चेन सिलेक्ट करी ये लेट से और उस पर ऐसे इत्तू बित्तू सी ब्रांचेस जो हैं वो बच गई,
या कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जो सफिक्स टू कभी बन ही नहीं पाते, जैसे नाइट्रो होता है, नाइट्रो हमेशा प्रिफिक्स में लिखा जाता है, ठीक है, या हेलोजन्स होते हैं, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो, वो भी प्रिफिक्स टू के अंदर ही अपन लिखते हैं। तो ये अपना फ्लो होता है पूरा नॉमेनक्लेचर का। इसमें वर्ड रूट तुम बहुत अच्छे से जानते हो, सफिक्स वन तुम ढूंढ लोगे, है ना, प्रिफिक्स वन साइक्लो तुम्हें पता है, प्रिफिक्स टू भी तुम सब्स्टिट्यूएंट क्या है और वो देख के लगा सकते हो। अब मैम तुम्हें कुछ बेसिक रूल्स लिख कर दे रही है पीडीएफ के अंदर। हो सकता है कोई ऐसा बच्चा भी है क्लास में जिसने, मैम मैंने तो आज तक किया ही नहीं नॉमेनक्लेचर, इसी वीडियो के सहारे हूँ, तो कोई बात नहीं, सारी रूल्स देखो, एक एक करके रिवाइज करा देती हूँ। पहला रूल अपना ये है कि भाई सबसे पहले लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट कर लो, ठीक है, इस तरीके से कि तुम्हारे जो भी मतलब उसमें डबल बॉन्ड्स ट्रिपल बॉन्ड्स आए, फंक्शनल ग्रुप्स आए, लाइक दैट, ठीक है। अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है तो लॉन्गेस्ट चेन स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स विद इन द साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली, राइट। जैसे यहाँ पर देखो मैम ने एग्जाम्पल अटैच किया है, तो अगर इस यूनिट के अंदर या तुम देखो तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अगर तुम 8 कार्बन की चुनते हो, वो गलत हो जाएगा, फिर तुम्हारा मतलब पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा, बिकॉज इसमें 9 की पॉसिबल है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें 9 की पॉसिबल हो रही है, तो अपन उसे लेंगे, ठीक है, पहला रूल। दूसरा, तो पहला कुल मिला के लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। दूसरा, नंबरिंग इस तरीके से करना है तुम्हें कि जो ब्रांच एटम है उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। जैसे तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो तो तुम भी तो लोएस्ट रैंक चाहते हो ना, कि मैम मेरी रैंक ऐसे आए 1, 2, 3, 10, है ना, हम हायर मोबाइल नंबर जितनी रैंक थोड़ी चाहते हैं हम, इसीलिए। तो ऐसे ही तुम्हारे सब्स्टिट्यूएंट है बोल रहे हैं कि भाई देखो जितना ये ब्रांचेस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स जितना कम नंबर दिलवा सकते हो भैया दिलवा दो हमें। अब इसमें प्रायोरिटी होती है कि कम रैंक तो सब मान रहे हैं, है ना, एवरीवन इज डिमांडिंग कम रैंक, लेकिन मिलेगी किसे उसकी प्रायोरिटी मैं बताऊंगी सुरून भाई, ठीक है। चलिए देखो, अगर टाई हो जाता है पहली ब्रांच में, है ना, देन गो टू द सेकंड, सो अंटिल अ डिफरेंस इज ऑब्जर्व। मतलब ऐसा होता है जैसे मान लो कभी भी तुमने एक कंपाउंड देखा, उसमें ब्रांचिंग का नंबर कुछ ऐसे आ रहा है 1, 3, 5, ठीक है, और दूसरे में तुमने देखा 2, 1, 1 आया, तो तुम्हें कौन सी दूसरी साइड से 2, 1, 1 आया फॉर एग्जाम्पल, तो तुम्हें हमेशा प्रायोरिटी ना पहले नंबर को देखो, जहां पे पहला लो नंबर है उस वाले नंबरिंग को चूज करोगे, पहले कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस बना लो। अब मान लो मैम पहला तो दोनों के अंदर ही सेम हो गया है, फिर क्या करें मैम, तो कोई बात नहीं तुम अगले को चेक कर लो, 2 के बाद देखो 1 है, इधर इधर 2 के बाद 3 है, तो ये वाली नंबरिंग चूज होनी है ना, तो ऐसे लोएस्ट नंबर चूज करना है। सो अगर टाई है तो तुम सिलेक्ट कर सकते हो कैसे करना है, ठीक है। चलिए, डिटरमाइन द कंपाउंड रूट और उसका अनसैचुरेशन इंडेक्स। देखो अगर साइक्लिक है तो साइक्लो लगा देते हैं प्रीफिक्स 2 के अंदर, जो मैम ने 1 के अंदर जो मैम ने बताया, ठीक है। हर ब्रांच का ध्यान से नाम देखना है, अगर कभी ऐसे होता है कि मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे यहाँ पर देखो इसमें मिथाइल भी आ रहा है, इथाइल भी आ रहा है, तो अपन अल्फाबेटिकली मूव करते हैं, ठीक है, ओके। चलिए फिर उसके बाद, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इफ 2 सब्स्टिट्यूएंट आर इन इक्विवेलेंट पोजीशन, द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल लिस्टिंग। जैसे यहां पर देखो इथाइल है, इधर भी थर्ड पोजीशन पे इथाइल आ रहा है, यहाँ पे 6 पर मिथाइल आ रहा है, और इधर 6 पर इथाइल आ रहा है और 3 पर मिथाइल आ रहा है, तो ऐसे केस में तुम क्या करोगे, वही जो मैम ने अल्फाबेट जिसका पहले आ रहा है उसको लो नंबर दिलवा दो, ठीक है, ऐसे करके, तो पहली वाला केस हमने सही किया है, ओके। चलिए, कभी ऐसे होता है 2 या 2 से ज्यादा ब्रांचिंग होते हैं तो अपन प्रीफिक्स लगाते हैं, डाई ट्राई टेट्रा लाइक दैट, ये बहुत बेसिक से रूल्स हैं जो तुम्हें पता है। चलो ये टेबल देखो बेटा, काम की चीज है, क्योंकि ये तुम्हें नहीं पता होता, तुम्हें क्या नहीं पता होता कि मैम कब कौन फंक्शनल ग्रुप सफिक्स की तरह लगेगा, कब कौन प्रीफिक्स बन जाएगा, क्योंकि देखो सवाल पता क्या होता है, मान लो एक कंपाउंड है तुम्हारे पास, राइट, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ना 2 फंक्शनल ग्रुप्स आ गए, एसिड भी आ गया और कीटोन भी आ गया, अब फाइट या हेड ऑफ द फैमिली तो एक ही जन है ना, एक ही जन है, तो यहाँ पे भी इस कंपाउंड में कि मैम हेड तो कंपाउंड का एक ही हो सकता है, अब मैं एसिड को हेड बनाऊं कि मैं कीटो को बनाऊं, नंबरिंग भी उसी हिसाब से होगी चेन की, है ना, और सफिक्स 2 में भी वही जाएगा जो हेड होगा, तो इसके लिए बेटा प्रायोरिटी लिस्ट होती है जो शिल्पी मैम ने अटैच करके दी है तुम्हें। तो देखो कार्बोक्सिलिक जेई के अंदर एक बार ये भी पूछ चुका है कि ऑर्डर ही बता दो भाई, तुम नॉमेनक्लेचर तो करके नहीं जाते, तुम मुझे सिर्फ ऑर्डर बता दो फंक्शनल ग्रुप का, तो ये सवाल भी पूछ चुका है, तो देखो लेवल उन्होंने इतना कम कर लिया है, तो अब तो टॉपिक छोड़ना बनता नहीं है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा अगर दिख गया तो ये श्री श्री
सफिक्स टू के अंदर जाएंगे, पीछे जाएंगे, ठीक है? ओके, फिर सल्फोनिक होता है, फिर एस्टर होते हैं, सो सोन, लास्ट में तुम्हारे एल्कीन्स एल्काइन्स होते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है? चलिए, तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो मतलब कार्बोक्सिलिक आ गई कंपाउंड में और कीटोन भी आ गया, तो सफिक्स टू में कौन बनेगा हेड, हेड बनेगा कार्बोक्सिलिक, तो कीटोन का क्या होगा मैम? तो बेटा कीटोन को प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, जी हाँ, ठीक है? तो ये टेबल एनसीईआरटी से जो मैम ने उठाया है इसका यही मतलब है। जैसे देखो यहाँ पर ये रहा कीटोन, देखो लास्ट में कीटोन जब सफिक्स की तरह लगेगा तो पीछे कंपाउंड ओन आएगा, ठीक है? अगर ये प्रीफिक्स बना तो ऑक्सो लिखा जाएगा, तो मैम ने जो एग्जांपल लिया ना यहाँ पे इसको ऑक्सो के रूप में मेंशन किया जाएगा, जी हाँ, ठीक है? कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड जब हेड बनेगा तो पीछे ओइक एसिड लगेगा, कभी अगर प्रीफिक्स बना, जो बहुत रेयर है क्योंकि प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे आगे तो कार्बोक्सिलिक है, तो लाइक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है जो एग्जाम में तो नहीं मिलेगा, ठीक है? सिंपल पूछेंगे तुमसे, तो ये लिस्ट है इसको देखना। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रो है, मैम ने बताया था कभी सफिक्स में नहीं आते, नाइट्रो हमेशा प्रीफिक्स में आएगा, या हेलोजन्स हैं तुम्हारे, देखो हेलोजन्स हैं ये रहे, हेलोजन्स भी हमेशा प्रीफिक्स में आते हैं, क्लोरो ब्रोमो लाइक दैट, ठीक है? अब इधर देखो एल्डिहाइड के सामने इन्होंने लिखा है, अगर कभी एल्डिहाइड प्रीफिक्स बना तो एनसीईआरटी लिखते हैं फॉर्माइल कोमा ऑक्सो, तो मैम कब फॉर्माइल लगाऊं कब ऑक्सो, तो मैम ने ये बात मेंशन कर दिया है, अगर कार्बन एल्डिहाइड का प्रेजेंट होता है मेन चेन के अंदर, मतलब एल्डिहाइड के कार्बन को तुम गिन रहे हो मेन चेन में, तो उस केस में तुम्हें क्या करना होता है, ऑक्सो यूज करना होता है। अगर नहीं आता मेन पेरेंट चेन में, अगर वो नहीं है, बिल्कुल ही सब्स्टिट्यूएंट की तरह लग रहा है, तो हम फॉर्माइल यूज करते हैं, ठीक है? अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन दिख रहा हो जो इस पे बन जाएगा, तो ये पॉइंट मैम ने अटैच कर दिया है, इस लिस्ट को देखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, राइट? चले, अब ये भी होता है कि मैम एक ही कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट भी आ गए, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया, तो किधर से नंबरिंग शुरू करनी है? तो भाई लोएस्ट नंबर हमेशा फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, प्रायोरिटी ऐसी होती है, फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है मल्टीपल बॉन्ड से, फिर तुम्हारे मल्टीपल में भी देखो डबल की ज्यादा है ट्रिपल से, ठीक है? फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट का क्या है, उनको तो कहीं लगा दो, यू नो लाइक दैट, मतलब नंबरिंग कहीं से कर दो, अगर ये होते हैं तो इन दैट केस दिस इज द प्रायोरिटी, ओके? चलो छोटू सा कंपाउंड है, इसका नाम लिख कर देखो सब लोग चैट में, देखो श्री श्री कार्बोक्सिलिक से हम शुरुआत करेंगे, 1 2 3 4, क्या कोई चिंदू पिंदु सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, तो सीधा वर्ड रूट लगा दू, 4 कार्बन, 1 2 3 4, तो ब्यूट, ठीक है? अब थर्ड पे देखो एल्कीन है, ब्यूट 3-ene, ठीक है, और 1 पर ओइक एसिड, ब्यूट 3-1-ene ओइक एसिड, है ना? यहाँ पे देखो मैम ने ई हटा दिया क्योंकि दो वोवल्स कभी साथ में नहीं आते, तो ब्यूट 3-ene-1-oic acid, ये 1 हटा के सिर्फ ओइक एसिड कर सकते हो, 1 का मेंशन करना जरूरी नहीं होता, ठीक है? चले, ये IUPAC नाम होगा, जब तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड होगा तो अपन प्रीफिक्स साइक्लो लगाते हैं, शुरू में बताया था मैम ने, ठीक है? अब यहाँ पर देखो जैसे इधर है, इधर अपन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है जिस कार्बन पे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है फालतू, सीधा साइक्लो से शुरू करेंगे, साइक्लो, फिर हेक्स, ओके, 2 पर देखो डबल बॉन्ड है 2-ene, और 1 पर अपना अल्कोहल है तो 1-ol, सॉर्टेड? ये देखो ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर तुम सोचोगे मैम एक सब्स्टिट्यूएंट तो इथाइल है, और मैम यहाँ पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो मैम हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 1-ethyl और 3-3-dimethyl, अगर ऐसा करोगे तो नेगेटिव नंबर लेकर आओगे, ठीक है? एक्चुअली होता क्या है बेटा, अगर मान लो अल्फाबेटिकली तुम जाते हो, है ना, नो डाउट तुम अल्फाबेटिकली मूव करते हो, पर यहाँ पर क्या सिचुएशन होती है, अगर मान लो एक कार्बन ऐसा है, एक पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं और एक कार्बन पे सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, है ना, तो ऐसे केस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर बाद में आता है, पहले तो यही देखा जाएगा कि इस कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे सिर्फ एक है, तो जिस पे 2 है वहां से नंबरिंग अपन चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है? तो अपना नाम अब तुम लिखोगे, 3 पर इथाइल है, ठीक है, 1-1 पे क्या है अपना डाइमिथाइल, ओके, अब लिख दो साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, सिंपल है, सॉर्टेड है, बताओ, बोलो, देखो 3 पर इथाइल है, 1-1-dimethyl साइक्लोहेक्सेन, अगर मान लो ये कंपाउंड ऐसे होता, सिर्फ एक मिथाइल यहाँ होता और यहाँ इथाइल होता, तो इस केस में नंबरिंग यहाँ से शुरू होती, 1 2 3 4 5 6,
है ना, क्योंकि यहाँ पे एक सबस्टिट्यूएंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो इधर अल्फाबेटिकली अपन मूव करते हैं, ये इथाइल है, ये मिथाइल है, लाइक दैट. सॉर्टेड, पॉइंट क्लियर है आई गेस. चलिए आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो अपन मेजरली हमें यहाँ पे पढ़ने हैं. इसके अंदर जीओसी में परमानेंट इफेक्ट्स होते हैं, इंडक्टिव रेजोनेंस हाइपोकॉन्जुगेशन. इंडक्टिव की बात करते हैं, तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव में डिस्प्लेसमेंट तुम्हें देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की, किसके थ्रू बोलो, वाया सिग्मा बॉन्ड, यस और नो एवरीवन इन द चैट बॉक्स, शिल्पी मैम को बताओ. और हाँ, चैट में भाई एंगेज किया करो, ठीक है, एक दूसरे से, और बातें नहीं, एंगेज मतलब आंसर्स को डिस्कस करो. तुम कौन सा एंगेज समझते हो, उल्टा ही समझते हो, तुम्हारा दिमाग उल्टा ही चलता है, इसलिए कमेंट करके बताया करो कि कैसी है तैयारी. यस मैम, तो कमेंट करो, टेल मी अबाउट योर प्रिपरेशन कॉन्फिडेंस की मैम हाँ हम तो पेपर में मचा के आएंगे, है ना, कॉन्फिडेंस इज वेरी हाई, दैट इज इम्पॉर्टेंट बेटा, अपने आप पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? यस, एग्जाम के जितने पास होते हो उतना ज्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए. यू डोंट हैव टू डाउट योर सेल्फ कि मैम पता नहीं क्या होगा, होगा या नहीं सिलेक्शन, अरे होगा यार, क्यों नहीं होगा. ओके, तो तुम अपनी तैयारी करते रहो, कोई टेंशन की बात नहीं है. चलो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट की अपन बात कर रहे हैं, तो हाँ ये इफेक्ट कैसा होता है, तुम्हारी तरह होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट. तुम भी एक दिन मोटिवेटेड रहते हो, फिर तुम सोचते हो अरे मैम नहीं होगा, मोटिवेशन अपने अंदर से लाओ, ठीक है. सो फिर वो देखो डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अंदर मोटिवेटेड रहोगे तो हमेशा मोटिवेटेड रहोगे, ठीक है. सो डोंट बी लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, नो. सो ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है. सो अगर तुम देखते हो अप टू 3-4 एटम्स तक ये काम करता है, आगे बहुत कमजोर हो जाता है ना, फिर नहीं दिखता, ठीक है. 3 तक ही मेजरली अपन देखते हैं. होता क्यों है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ द ग्रुप्स अलोंग द कार्बन चेन. जैसे कि देखो यहाँ पे इन्होंने ड्रॉ कर रखा है, इसे देखो, जैसे ये कार्बन की चेन है, ठीक है, 4 कार्बन एटम है, ये अपन ने कोई ग्रुप लगाया. अब मैं बोलूं कि ये जो एक्स ग्रुप मैंने कार्बन से अटैच किया ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. मैम किससे ज्यादा है भाई, sp3 कार्बन से ज्यादा है, sp3 कार्बन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है. मान लो sp3 क्यों, क्योंकि ये कार्बन sp3 है ना, तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये क्या करेगा, सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना चालू करेगा. इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट बेटा ऑपरेट करता है किससे, ऑपरेट टू सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड के थ्रू डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, अपनी तरफ खींचेगा, खींचेगा तो खुद पर पार्शियल नेगेटिव लेगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, ठीक है. तो अब ये क्या होगा, ये वाला कार्बन पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, फिर इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, फिर ये कार्बन पीछे वाले कार्बन से खींचेगा, है ना, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा. तो ये जो पीछे वाले कार्बन पे इफेक्ट कमजोर होता जा रहा है ना, जितना दूर दूर हो रहा है देखो कमजोर होता जा रहा है. तो 3 तक ही तुम लगभग देखते हो, राइट. तो ये जो शिफ्टिंग हो गई, यहाँ से क्या होता है, पार्शियल चार्ज डेवलप होना शुरू होते हैं, पार्शियल चार्ज डेवलपमेंट शुरू हो जाता है. सारा हैंड रिटन नोट्स में मिलेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है. अब ये 2 तरीके से इफेक्ट हो सकता है, एक तो तब जब तुमने ऐसा एटम लगाया है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है sp3 कार्बन से, और दूसरा तब कि भाई ऐसा ग्रुप लगा दिया मैम मैंने, तो ये तो sp3 कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है sp3 कार्बन से, तो तब क्या होगा मैम बताओ, तब क्या होगा, तब ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर करेगा, तब कार्बन भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, लाइक दैट इट इज हैपनिंग. तो इससे हो क्या रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट से जो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर हुआ करता था, अब उसमें पोलैरिटी डेवलप होने लग गई, समझ रहे हो. तो इंडक्टिव इफेक्ट अगर तुम देखते हो, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन डिक्रीजेस जैसे जैसे दूर जाओगे इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से या इलेक्ट्रो पॉजिटिव से. तो अपने पास 2 तरीके इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व होंगे, डिपेंडिंग ऑन कि तुमने कैसा ग्रुप अटैच किया है कार्बन की चेन से, ठीक है. पहला कौन सा था, प्लस आई इफेक्ट, जो कि डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन कार्बन की चेन की टूवर्ड्स, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम थी sp3 कार्बन से, ये कैसे हैं, प्लस आई वाले, देने वाले, ये बोले कार्बन चेन को अरे यार तू एंजॉय कर, हम दे रहे हैं, वी आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स. तो जाहिर सी बात है यार, जब नेगेटिव चार्ज वाले आयोन्स होंगे वो सीरीज में सबसे आगे मिलेंगे. देखो यहाँ पर नेगेटिव वाले तुम्हें आगे दिख रहे हैं, उस नेगेटिव में भी अगर तुम कभी देखो, जैसे कार्बन नेगेटिव है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव, ओ पर नेगेटिव, तो तुम्हें ऐसी सीरीज मिलेगी, क्योंकि ये आसानी से दे सकता है, इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. ऑक्सीजन फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके मुकाबले कम देगा, है ना, लाइक दैट. तो सीरीज ऐसे शुरू होती दिखती है, फिर बाद में न्यूट्रल आते हैं, न्यूट्रल में भी फिर तुम मतलब अगर एल्काइल्स देखते हो, है ना, साइड में ग्रुप्स देखते हो साइड चेन, तो टर्शियरी ज्यादा होता है, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी,
क्योंकि टर्शियरी के ऊपर तीन तीन मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना, तो उस पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर लास्ट में तुम्हारे ये आते हैं ट्रीटियम, ड्यूटेरियम, लाइक दैट, ठीक है, ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन सबसे कम। ये जो सीरीज है ना, तुम इसको फॉलो मत करना, एनसीईआरटी वाली सीरीज देखना है, जो शिल्पी मैम ने 2.0 के ऊपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैराथन ली थी, वहां पर जाकर उसके सेशन नोट्स डाउनलोड कर लो सिर्फ, है ना। मैराथन इतने बड़ा सेशन देखने का शायद ना हो तुम्हारे पास टाइम, तो कोई बात नहीं, सिर्फ उस 2.0 चैनल पर जाकर तुम उस सेशन के नोट्स डाउनलोड कर लेना। इनफैक्ट कोशिश करना तीनों मैराथन के नोट्स ले लो, उसमें पूरी फिजिकल है और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तीनों है, तो उसमें मैम ने जो ऑर्डर लगाया वो काफी लाइक इजी टू रिमेम्बर एंड इट मेक सेंस, इसमें कुछ आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। चलिए माइनस आई वाले हैं जो खींच रहे होंगे, तो इस सीरीज में जिन पे किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज होगा तो सोचो कितना खींचेगा, जैसे नाइट्रोजन प्लस पे तीन तीन एफ ग्रुप, ओ माय गॉड कितना स्ट्रॉन्ग माइनस आई दिखाएगा, है ना, ये जो सामने है इससे भी ज्यादा होता है वो, तो गैन आई एम सेइंग उस सीरीज को फॉलो करना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो एक पॉइंट लिखा है एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, जो हम अभी नहीं पढ़ेंगे। रीजन बीइंग तुम जो भी एप्लीकेशंस देखते हो, है ना, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एसिडिक नेचर बता सकते हो एसिड्स का, बिल्कुल बता सकते हैं, है ना, और क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बता सकते हैं बेसिस की, और क्या बता सकते हैं, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। लेकिन तुम्हें एक चीज समझनी है, ये सारे एप्लीकेशंस जो हम इंडक्टिव के देख रहे हैं, ये एप्लीकेशंस हम हाइपोकॉन्जुगेशन में भी पढ़ेंगे, रेजोनेंस में भी पढ़ेंगे, तो अगर सबको कंबाइन, जब सवाल आता है तो हमें सारे इफेक्ट्स को कंबाइन करके अप्लाई करना होता है, इसीलिए इंडिविजुअल एप्लीकेशन मत पढ़ो, दैट इज फाइन। ये ध्यान रखना स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट की सबसे कमजोर होती है, फिर हाइपरकॉन्जुगेशन आता है और फिर रेजोनेंस आता है। रेजोनेंस का भी स्पेशल केस होता है बैक बॉन्डिंग, वो सबसे आगे रहता है। तो जब तुम स्टेबिलिटी या कोई ऐसा इफेक्ट देखते हो तो हम पहले देखते हैं बैक बॉन्डिंग तो नहीं हो रहा, रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, हाइपोकॉन्जुगेशन तो नहीं हो रहा, फिर लास्ट में इंडक्टिव इज अ हल्का फुल्का इफेक्ट, है ना, दम नहीं है, लाइक दैट वो इफेक्ट है। ओके, सॉर्टेड है, बताइए मैम को, नो कंफ्यूजन एवरीवन, समझ रहे हो ना बात को? देखो फोकस्ड रहो, ठीक है, यू हैव टू स्टे फोकस्ड, दैट्स इट। हाँ समझो, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन की अगर बात करते हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन के भी एप्लीकेशंस भी मैम ने अटैच किए हैं। हाँ चलिए, तो इधर देखो ये लिख लेते हैं, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कंडीशन जो तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ना है, तुम कार्बोकेटाइन्स और लाइक फ्री रेडिकल्स एंड एल्कीन्स में पढ़ते हो, कार्बेनाइन्स का नहीं, कार्बोकेटाइन्स फ्री रेडिकल इनका तो एक जैसी तरह होता है, और एल्कीन्स में, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशंस होते हैं कि अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, और उस अल्फा कार्बन के पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, इधर फ्री रेडिकल का एग्जाम्पल लिया तो अपन देख लेते हैं, ये फ्री रेडिकल है इस कार्बन पे, है ना, तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब भी देखो अगर किसी एटम में प्लस चार्ज है या फ्री रेडिकल है ना, तो या नेगेटिव है कोई भी चार्ज है, तो वहां पर स्टेबिलिटी कब आती है, जब वो डिस्पर्स होता है चार्ज, यानी अगर एक कार्बन एटम ने बोझ उठाया हुआ है पॉजिटिव चार्ज का, तो क्यों ना सब उसको बांट ले, थोड़ा कोई अगल बगल बांटने वाला हो तो दुख कम हो जाता है ना, लाइक दैट। तो यहाँ पर भी अगर ये कार्बन फ्री रेडिकल बना रहा है तो ये स्टेबल हो सकता है, अगर तुम ये फ्री रेडिकल को डिस्पर्स करा दो, है ना, अगल बगल के एटम पे, तो इस केस में जैसे ये तुम्हारा अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से जुड़ा अल्फा हाइड्रोजन ये क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड को यहां शिफ्ट करता है। एक्चुअली शिफ्टिंग कहां होती है, देखो यहां पर लिख के बताती हूं, आई गेस ये विजिबल है, ये तुम्हारा फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन ले लो, ठीक है, और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए ये तीन अल्फा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, राइट। तो तुम्हें पता है ये जो CH2 भाई साहब है, इनके पास क्या है, इनके पास ये कार्बोकेटाइन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल पड़ा है, कार्बन भी पॉजिटिव यानी वेकेंट, खाली डिब्बा पी का है ना, तो ये क्या करता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अपना सिग्मा बॉन्ड तोड़ के इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ भेज देता है, यानी किसके अंदर, सिग्मा से वेकेंट पी का ओवरलैप, ये एक बार पूछ चुका है जेई एडवांस में भी, ठीक है, कि कौन से ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, सिग्मा से वेकेंट पी के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, ओके और यही अगर फ्री रेडिकल में पूछे तो सिग्मा को कहाँ पे करता है, यहाँ पे, इसके पास भी पी है लेकिन पूरा वेकेंट नहीं है, हाफ फिल्ड है, एक इलेक्ट्रॉन तो है ही, तो सिग्मा से हाफ फिल्ड पी,
हाफ फिल्ड पी के अंदर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है ना। अब इससे होगा क्या? अब आप बोलोगे कि मैम इससे क्या हो रहा है, तो बेटा इससे हो ये रहा है, अगर इस कार्बन ने अपना बॉन्ड तोड़ दिया तो पॉजिटिव चार्ज इस हाइड्रोजन पे आ चुका है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एज इट इज है, और ये जो CH2 था अब ये एंजॉय कर रहा है डबल बॉन्ड, यस और नो बोलो। ये कार्बन देखो इसका चार्ज थोड़ी देर के लिए हट गया है, भैया कोई इंसान 5 किलो का बैग लेके खड़ा था बहुत देर से, तुमने बोला कि आई विल हेल्प यू, कुछ देर मैं वजन उठा लेता हूँ, तो हाउ दैट पर्सन वुड बी फीलिंग, इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि चलो यार मेरे सिर से बोझ गया पॉजिटिव चार्ज, वो इसने बांट लिया। अब ऐसा ही केस तुम खुद सोचो, ये हाइड्रोजन भी कर सकता है, ये हाइड्रोजन भी ऐसा कर सकता है ना, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन जुड़े होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं और उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी आती है। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बोलो। हाँ, अब एल्कीन्स के केस में देखो, एल्कीन्स के लिए भी तुम ये हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ोगे तो वहां पे कौन सा ओवरलैप होता है? सिग्मा से पाई स्टार, सिग्मा बॉन्ड टूटता है कार्बन हाइड्रोजन का, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ जाती है? एंटी बॉन्डिंग पाई के अंदर, है ना, एल्कीन्स के पास पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, तो सिग्मा पाई स्टार ओवरलैप से एल्कीन के अंदर बनता है। तो ये क्वेश्चन कभी पूछे ओवरलैपिंग का तो बता देना, ठीक है। चलो, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की बता सकते हैं, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना। ऐसे फ्री रेडिकल के अंदर भी अपन सेम चीज देखते हैं, राइट। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी भी तुम बता सकते हो इस इफेक्ट से, लाइक दैट। ओके, चलिए, फिर रेजोनेंस है तुम्हारा। रेजोनेंस के लिए तुम्हें पता है कितनी कंडीशंस पे रेजोनेंस दिखेगा? बताओ मैम को, एवरीवन। देखो कुछ पॉइंट्स लिख लो, ये थ्योरी इतनी सारी जो लिखे इसकी जरूरत नहीं है, तो रेजोनेंस के कुछ पॉइंट्स लिखो। देखो, एक तो पहली बात, ये इंडक्टिव से कैसे अलग है? इंडक्टिव ऑपरेट करता था सिग्मा बॉन्ड से, जबकि रेजोनेंस ऑपरेट करता है किससे बेटा? ऑपरेट टू द पाई बॉन्ड, यस और नो? यस। यहाँ पर होता है एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट। कैसा? एक्चुअल चार्ज डेवलपमेंट होता है, ठीक है, और ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है, ये डिस्टेंस इंडिपेंडेंट होता है। कंडीशंस क्या होगी रेजोनेंस की? भाई ये वाले स्ट्रक्चर को मत देखना, ये गड़बड़ है, 1 2 3 4 5 पांच बॉन्ड देख के डर मत जाना तुम जरा, ठीक है, इसको हटा दो। ये एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे हम PPT में बनाते हैं तो, और फिर PDF में ट्रांसफर करते हैं तो थोड़े फॉर्मेटिंग इश्यूज हो जाते हैं, तो स्क्रीनशॉट अटैच करके डालेंगे तो सही रहेगा। इसको भी मत देखो, है ना, आगे मैम ने सब कुछ अटैच किया, सो डोंट वरी, ध्यान देना प्लीज। जैसे रेजोनेंस की कंडीशंस क्या है, एक तो पोजीशन एटम्स की सेम रहनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कंडीशंस है ये, ठीक है। जब तुम स्ट्रक्चर बनाओगे, कुछ बच्चे पोजीशन ही एटम्स की बदल देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी होती है इनकी, दे डिफर ओनली इन अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे कार्बोनेट आयोन तुमने बहुत बनाया है, बनाया बॉन्डिंग में भी पढ़ा है हमने इसका स्ट्रक्चर, यस। अब यहाँ पर देखो, ये कार्बोनेट आयोन है CO3 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसी कार्बन पे फिक्स थोड़ी है, डीलोकलाइज्ड है, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा भी बन सकता है इसका O नेगेटिव, ऐसा यहाँ से भी हो सकता है, बोलो, ये ऐसा कर सकता है, ये इस पे शिफ्ट मार सकता है, हो सकता है ना, ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो ओवरऑल अपन एक हाइब्रिड बनाते हैं, एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं हम, जिससे हम ये बताते हैं यार ये बॉन्ड पूरा डबल बॉन्ड नहीं है, ये सारी बॉन्ड की लेंथ बराबर होती है, जब आप एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हो सारी बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर बराबर निकलते हैं, क्योंकि ये डीलोकलाइज्ड है ना, डीलोकलाइज्ड है। देखो बॉन्ड ऑर्डर आप कैसे निकालते हो, कितना था आपका बॉन्ड ऑर्डर या चार्ज, देखो फॉर्मल चार्ज भी निकालते हो, कितना नेगेटिव चार्ज है -2, कितने एटम्स पे फैला हुआ है 3 पे, तो -2/3 सबका फॉर्मल चार्ज होता है, ऐसे ही एवरेज बॉन्ड ऑर्डर भी निकालते हो, कितने बॉन्ड्स हैं 1 2 3 4 4, और कितने एटम्स पे फैले हुए हैं 3 पे, तो 4/3 बॉन्ड ऑर्डर एवरेज ऐसे लिखते हैं। तो ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड होता है जो उसका एक्चुअल लाइक रिप्रेजेंटेशन करता है। ये जो बीच में रेजोनेटिंग फॉर्म्स होते हैं ये एग्जिस्ट भी नहीं करते, दे डोंट एग्जिस्ट, तो इनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं होता, इनको स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता, बिकॉज इट्स अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। ये बात बता इसीलिए रही हूँ, जेई में पिछले साल एक सवाल पूछा था इसी पे, कार्बोनेट आयोन पे ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर 3-4 बातें दी हुई थी, राइट। अब उसको तुम केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट समझ लो कि GOC का समझ लो, कॉन्सेप्ट इज सेम, है ना। चलिए, अब कितने केसेस है रेजोनेंस के? देखो रेजोनेंस पॉसिबल होती है कितने सिस्टम पे, हमारे सामने है पाई ऑल्टरनेट पाई, पाई ऑल्टरनेट पॉजिटिव चार्ज, सारे मैम ने ड्रॉ कर रखे हैं स्ट्रक्चर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पाई ऑल्टरनेट नेगेटिव चार्ज, पाई ऑल्टरनेट ऑड इलेक्ट्रॉन्स,
पाई ऑल्टरनेट लोन पेयर या लोन पेयर एंड पॉजिटिव चार्ज। अब इसको सम करके बता देती हूँ, है ना, इसको कंक्लूड करके बताती हूँ। कॉन्जुगेशन तीन जगह पर दिखेगी तुम्हें, वैसे तो ज्यादा ही जगह है, पर तीन कैसे कर सकते हो। एक तो इजीएस्ट सिस्टम है, देखो डबल बॉन्ड सिंगल डबल, देख सकते हो, बोलो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल बोलो, इसे प्रोनाउंस करोगे तो उसको ढूंढ पाओगे, है ना। कभी कभी बीच में एसपी थ्री कार्बन आ जाता है तो तुम वहां पे सोचते हो रेजोनेंस हो रहा है, डबल फिर सिंगल फिर डबल हो, डबल सिंगल डबल दिखा, रेजोनेंस हो रहा होगा, ठीक है। चलिए दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन हो सकता है किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, या सारी केस यही लिख रही हूँ, या फ्री रेडिकल है, या नेगेटिव चार्ज है, या लोन पेयर है, ठीक है। इसको कॉमा लगा के लिख दूं ज्यादा सही रहेगा। क्या क्या हो सकता है देखो भाई, फ्री रेडिकल हो सकता है, अरे ये क्या हो गया, फ्री रेडिकल हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज, लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज, जल्दी लिखो चैट के अंदर क्या क्या केस हो सकता है। पेन चलो, ओह माय गॉड, हाँ चलो पेन चल गया, देखो हाँ जी देखना, फ्री रेडिकल है हमारे पास, ठीक है, और क्या हो सकता है, लोन पेयर हो सकता है, और क्या हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, ये हो और बगल में क्या हो, डबल बॉन्ड। सो लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फ्री रेडिकल सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ढूंढ पाओगे रेजोनेंस, बोलो भाई, अरे तो ढूंढ ही लोगे ना। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस, जब एक एटम के पास हो खाली डिब्बा वेकेंट ऑर्बिटल और दूसरे के पास हो लोन पेयर, ध्यान रखना सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते हैं। तुम्हें पता है सेकेंड पीरियड के पास 2s है, 2p है, क्या 2d है, उनके पास 2d होता ही नहीं है, तो खाली डिब्बा कहाँ है, एक 2s है, 3 2p है उनके पास, तो उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ठीक है, तो थर्ड पीरियड वालों से ही शुरू होते हैं नीचे की तरफ। ओके, तो एनीवे वो भी उधर जैसे पी ब्लॉक में जाते हो तो वहां पर, राइट। तो ये केसेस, ये सबसे बढ़िया जिसको तुम बैक बॉन्डिंग के नाम से जानते हो, जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी लेकर आता है तुम्हारे मॉलिक्यूल में, राइट। फिर ये ग्रुप्स हैं जो प्लस एम माइनस एम, कौन दिखाएगा, प्लस आर माइनस आर, इन ग्रुप्स को प्लीज ध्यान रखना। बोलो कितने बच्चों को ध्यान है ये वाले ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, प्लस एम माइनस एम वाले, मैम को बताओ जल्दी से एवरीवन। यस बेटा ध्यान रखना पड़ेगा, देखो प्लस एम वालों में ना अगर कभी लोन पेयर है, पहले एटम पे लोन पेयर दिख जाए, नेगेटिव चार्ज दिख जाए, तो वो प्लस एम वाले ही होते हैं, ठीक है। माइनस एम खींचने वाले तब होते हैं जब उनके एटम पे पाई बॉन्ड लगा होता है, जैसे देखो नाइट्रोजन NO2 कैसा होता है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड और ये इसको प्लस माइनस बना लो या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखा लो, तो जब उस एटम पे पाई बॉन्ड बना होता है तो वो जरूर माइनस एम वाला होगा। देखो कार्बोनेन C डबल बॉन्ड OH है ना, तो खींचने वाले होते हैं क्योंकि रिंग से, मान लो रिंग जुड़ी हुई है, उसका अपनी तरफ बॉन्ड शिफ्ट करा के इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो लोन पेयर दिख जाए, नेगेटिव चार्ज दिख जाए तो पहचान लेना प्लस एम वाले हो सकते हैं, माइनस एम होगा जब उसके अंदर पाई बॉन्ड दिख जाए, अरे भाई ये तो खींचेगा खतरनाक, या पॉजिटिव चार्ज दिख जाए। ओके चलो यहाँ पे एक दो पॉइंट्स लिखते हूँ कुछ ग्रुप्स के बारे में, प्लीज ध्यान रखना। कुछ ऐसे ग्रुप्स है जिनका प्लस एम डोमिनेट करता है उनके प्लस आई पे, जल्दी बताओ ऐसे कौन है, OH, यस बोलो, NH2 और OR, ये ऐसे ग्रुप्स होते हैं बेटा, इनका प्लस एम इफेक्ट डोमिनेट होता है माइनस आई से, मैंने प्लस आई लिखते हैं, सॉरी, प्लस एम डोमिनेट्स द माइनस आई, मतलब देखो इनके पास लोन पेयर है पहले एटम पे तो लोन पेयर दे सकते हैं प्लस एम, प्लस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई से खींच भी सकते हैं, बट डोमिनेटिंग इफेक्ट इनका प्लस एम होता है, ठीक है। यही चीज अगर तुम सोचो कुछ ऐसे ग्रुप्स भी है जिनका माइनस आई उनके प्लस एम पे डोमिनेट करता है, वो कौन है, प्यारे प्यारे हेलोजन्स, पता है वो कौन होते हैं, तुम्हारे हेलोजन्स होते हैं, सॉर्टेड है। चलिए ये देखो रेजोनेंस के रूल्स मैम ने बताए तुम्हें, यहाँ पे एलेबोरेट करके लिख दिया है, तो प्लीज नोट्स को डाउनलोड करना, ठीक है, और इसको पढ़ लेना। चलिए कभी कभार यहाँ से भी सवाल पूछ लेता है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आई गेस ऑल गुड, ऑडियो वीडियो आवाज आ रही है, हाँ जी दिख रही हूँ मैं, ओके देखो ये है तुम्हारी स्टेबिलिटी किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले तुम क्या देखते हो, सबसे पहले तुम देखते हो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखा जाता है, और ऐसा न्यूट्रल दिख गया, वैसे न्यूट्रल बहुत कम मिलेगा तुम्हें, अगर मिल जाते हैं तो अपन देखते हैं किस एटम की ऑक्टेट, कोई कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें सारी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हुआ होता है, ठीक है। ओके, फिर अपन देखते हैं ग्रेटर नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, जिसके ज्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। ओके, फिर कौन आता है मैम, फिर आता है बेटा सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट एटम्स पे, बिल्कुल गलत बात। देखो मैं नंबर दे देती हूँ तुम्हें, चले ठीक है। वैसे इस ऑर्डर में तुम ये ढूंढ सकते हो, जैसे कभी तुम्हें, वैसे ये वाला जो पॉइंट होता है ना सिमिलर चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स, वो बहुत ज्यादा रिपल्शन कॉज करते हैं, इसको अपन लास्ट में चेक करते हैं। वैसे तो इससे पहले तुम ये देखते हो न्यूट्रल है, ऑक्टेट कंप्लीट है, पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, फिर ये देखते हो, तो पहले पे तुमने ये देखा, दूसरे पे ये, थर्ड पे तुम देखते हो नेगेटिव चार्ज इज स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव पे होता है स्टेबल। जैसे मान लो कभी ऑक्सीजन पे प्लस दिख गया, बहुत अनस्टेबल। कभी ऐसा देखा कि ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ना, ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव जुड़ा हुआ है, तो वो स्टेबल होता है। और क्या पॉइंट, तुम ये भी देखते हो, देखो चार्ज सेपरेटेड स्ट्रक्चर्स लेस इंपॉर्टेंट होते हैं देन चार्जेस डीलोकलाइज्ड। मतलब देखो एक सिंपल सी पॉइंट बताती हूँ, मान लो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कोई एटम्स हैं तुम्हारे पास, उसमें कुछ ऐसा सीन है कि तुमने लाइक चार्जेस को दूर कर दिया, लाइक चार्जेस को दूर कर दिया, तो अच्छी बात है, लाइक चार्जेस जो सेम सेम चार्ज है वो दूर रहने चाहिए, जो सेकंड पॉइंट बोलता है। लेकिन अनलाइक चार्जेस को अगर दूर किया तो अनस्टेबल बनता है, मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जो ऑपोजिटली चार्ज आयॉन्स है ना वो आसपास रहने चाहिए, ऑपोजिट चार्ज आयॉन अनलाइक चार्जेस वाले एनायंस मस्ट बी क्लोजर, पास होने चाहिए, ठीक है। चलो ये तो लास्ट पॉइंट है कि जो तुम्हारे कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं दे हैविंग लो एनर्जी रिजेंबल्स हाइब्रिड इन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर, ये सिंपल पॉइंट है, इट्स नॉट लाइक बेसिकली मेजरली जो तुम्हें दिखेगा स्टेबिलिटी कंपैरिजन के लिए, ये ऊपर वाले पॉइंट्स हैं जिससे तुम कंपेयर कर पाओगे, ठीक है। चलिए, रेजोनेंस स्टेबिलाइजेशन सबसे ज्यादा होता है जब एटलीस्ट टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जैसे देखो ये तुम्हारा जैसे कार्बोक्सिलेट आयोन है, तो यहाँ पे कितना मस्त रेजोनेंस होता है, क्योंकि बनने वाले स्ट्रक्चर्स इक्विवेलेंस रेजोनेंस दिखाते हैं। देखो देखो, तभी इसीलिए इसीलिए याद करो, ऑर्थो इफेक्ट पढ़ते हो तुम, ऑर्थो इफेक्ट जब तुम पढ़ते हो तो उसका फायदा, इसीलिए तो एसिडिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस इक्विवेलेंट रेजोनेंस से स्टेबिलाइज होता है। जी हाँ, चले भाई, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट है एरोमेटिसिटी, हकल्स रूल तुम्हारा। तो सबसे पहले तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें तीन चीजें चेक करनी होती है, कंपाउंड तुम्हारा साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, प्लेनर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए उसमें, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन। अगर तीनों में से एक भी कंडीशन फेल हो गई तो वो कंपाउंड क्या बन जाता है, नॉन एरोमेटिक। इवन वन फेल इट विल बी नॉन एरोमैटिक, क्या होता है, नॉन एरोमैटिक बन जाएगा। अगर तीनों पास हो गई, ऑल थ्री पास, देखो सारी पास हो गई अगर, तो फिर तुम्हें गिनने हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एरोमैटिक कंपाउंड, अगर 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो एंटी एरोमैटिक, एंटी एरोमैटिक, ठीक है, लाइक दैट। देख सकते हो, हाँ जी, स्टेबिलिटी एरोमैटिक सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर नॉन एरोमैटिक, फिर एंटी एरोमैटिक। ओके, इसके अंदर भी तुम्हारे केसेस होते हैं, जैसे ये बताओ मैम को, डम 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 डम, क्या ये वाला एरोमेटिक होगा, बताना जरा शिल्पी मैम को, ये कैसा होगा, ये क्या है, बताओ बताओ, इसके बारे में कमेंट करो जल्दी से नीचे। और मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये जो सेशंस चल रहे हैं ना, ये क्विक रिवीजन के सेशन है, इनमें क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं होगी बेटा। अगर क्वेश्चन सॉल्विंग देखना है तो गदर सीरीज जो मैम ने लिया है, इसी क्लास के बाद जाकर गदर सीरीज की प्लेलिस्ट है चैनल पे, उसमें जीओसी का लेक्चर देखना, उसमें सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे कि इन टॉपिक से कितने सवाल आए हुए हैं, वहां पे क्वेश्चन सॉल्विंग की प्रैक्टिस हो जाएगी तुम्हारी। और वो सेशन लगा लोगे ना तो पेपर में तुम आराम से, मतलब क्वेश्चंस बनाए आओगे, इस टॉपिक के तो नहीं छोड़ोगे, ठीक है। तो उधर मैम ने काफी चीजें बताई हैं, हो सके तो उसे देख लेना, एटलीस्ट पीडीएफ ही डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो, फिर तुम्हारे बीच में इंटरमीडिएट्स हैं जो मैम ने लिख दिए यहाँ पे, जैसे कार्बोकेटायन है, जिस इंटरमीडिएट में कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp2 होती है, क्योंकि इसने तीन सिग्मा बनाए हुए हैं कार्बन ने,
लोन पेयर कोई है ही नहीं। ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। स्टेबिलिटी कौन डिटरमाइन करेगा? अगर हाइपर कॉन्जुगेशन मिल गया बहुत अच्छी बात है, जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतना ज्यादा कार्बोकेटायन स्टेबल, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे करेगा? स्टेबिलाइजर से जितने प्लस आई ग्रुप्स होंगे है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएंगे कार्बोकेटायन पे, उसे स्टेबल करेंगे। रेजोनेंस में अगर कहीं बैक बॉन्डिंग दिख जाए, जैसे यहाँ देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर और बगल में खाली डिब्बा, बैक बॉन्डिंग ऑक्सोनियम आयोन है ना, और बैक बॉन्डिंग का केस बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया स्टेबल है। इसमें ऑर्डर मैम बता चुकी है तुम्हें, सबसे पहले बैक बॉन्डिंग, फिर रेजोनेंस, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन, सबसे कमजोर इंडक्टिव, ठीक है। अच्छा एक कार्बोकेटायन देखो बहुत बढ़िया स्टेबल होता है, पिछले साल पेपर में सवाल भी पूछा था, इस कार्बोकेटायन में होती है डांसिंग रेजोनेंस, मतलब ये इवन स्टेबल होता है। अगर तुम एक कार्बोकेटायन में ना तीन फिनाइल की रिंग्स लगा दो तो वो तीन जगह से कॉन्जुगेशन कर रहा है, पर ये भाई साहब उससे भी ज्यादा स्टेबल है, जबकि थ्री मेंबर रिंग है नीचे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ना इस साइक्लोप्रोपेन की जो रिंग है, ये प्योर सिग्मा बॉन्ड्स नहीं होते, इनमें पाई कैरेक्टर भी होता है। तो ये क्या करता है ना, ये बॉन्ड यहां से तोड़ के अपने कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर लेता है। देखो CH2 यहाँ पॉजिटिव, अब ये सेम चीज इधर से भी हो सकती है। ये बोलेगा भाई वो कर रहा है बगल वाला, मैं क्यों पीछे रहूं, है ना, मैं भी ऐसा करूंगा, मैं भी तुझे स्टेबल करूंगा, लाइक दैट। तो इससे काफी ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, इक्विवेलेंट बन रहे हैं। ओके चलो, ऐसे तुम्हारा फ्री रेडिकल होता है, 7 इलेक्ट्रॉन अगर तुम देखो, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, काफी रिएक्टिव होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं सारे इंटरमीडिएट। हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन sp2 एंड sp3, मतलब फ्री रेडिकल्स की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, वो sp2 हो है sp3, जो भी हाइब्रिडाइजेशन है वो डिपेंड करता है बगल में कैसे ग्रुप्स जुड़े होते हैं, मतलब बगल में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये बॉन्डिंग में पढ़ते हो, यहाँ नहीं डिस्कस करेंगे, जस्ट बता रही हूँ इस पॉइंट को, अगर लिख दिया तो उसका मतलब क्या है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन में मैंने 3 इलेक्ट्रॉन, ओके 1 मिनट, आई थॉट चार्जर कनेक्टेड है, आई विश ऑफ ना हो लैपटॉप। चलिए आवाज आ रही है ना वैसे शिल्पी मैम की, हाँ बहुत बढ़िया। तो हाँ मैं ये बोल रही थी कि डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन की, साइड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है या कुछ ऐसा जैसे हाइड्रोजन है ना, जैसे अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, यहाँ अट्रैक्शन हो जाता है, तो इस केस में जो तुम्हारा फ्री रेडिकल होता है वो पार्टिसिपेट कर लेता है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अगर यही चीज अगर तुम यहाँ करते हो, जैसे साइड एटम अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव जनरेट करता है, जहां से इन दोनों इस फ्री रेडिकल और कार्बन पे डेल्टा नेगेटिव की रिपल्शन होने लगती है, इस केस में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो तुम ऐसे कर, इसीलिए यहाँ पे पॉइंट लिखा है कि कभी sp3 होती है कभी sp2, वो डिपेंड करता है माहौल कैसा है। एनीवे ये बॉन्डिंग का पार्ट है, यहाँ नहीं पढ़ते। फैक्टर्स क्या है जो स्टेबिलिटी, वही सेम फैक्टर्स है तुम्हारे कार्बोकेटायन के लिए भी है ना, जो फ्री रेडिकल के लिए भी सेम है जो कार्बोकेटायन में थे, ठीक है जी। ओके देन कार्ब एनायन है तुम्हारा, जो कि हाइब्रिडाइजेशन इधर कार्बन की sp3 होती है, सिग्मा बॉन्ड 3 है और एक लोन पेयर है, तो क्लियरली हाइब्रिडाइजेशन बेटा sp3 हो गई है ना। अमोनिया का जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसा है, ट्राइगोनल पिरामिडल है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे तो वो कार्बन आयन को अनस्टेबल करेंगे, क्योंकि कार्बन पे पहले ही नेगेटिव चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल बनाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप्स लगाओगे उतना बढ़िया होगा, उतना उसे स्टेबिलिटी मिलेगी। सॉर्टेड है। चलिए आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, तो आइसोमर्स वो कंपाउंड्स हैं जिनका यू नो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डिफर करती हैं। तो अपने पास स्ट्रक्चरल है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। अगर हम स्ट्रक्चरल की बात करते हैं तो यहाँ पर उससे पहले मैम ने तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेबल अटैच करके दिया है, कभी भी देखना तुम, यहाँ पे पॉसिबल कंपाउंड्स होते हैं जनरल फॉर्मूला के साथ, ठीक है। इनमें मुझे बताना कि कौन कौन से इनमें से कौन कौन से आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, बताओ। अगर जनरल फॉर्मूला सेम है तो क्या हो सकते हैं वो एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बताओ शिल्पी मैम को। एवरीवन यस,
बिल्कुल हो सकते हैं। तो मैम ने जो नोट्स दिए हैं ना तुम्हें वहां पर 2.0 चैनल के ऊपर, वीजीएमई 2.0 चैनल पे ऑर्गेनिक मैराथन करके एक सेशन हुआ होगा, उसकी पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करनी है। ठीक है, उसमें टेक इश्यूज हो गए थे सेशन में थोड़ा, तो पूरा नहीं हो पाया था सेशन, लेकिन उसका पीडीएफ तुम्हें डाउनलोड करना है। उसमें मैम ने सारे तुम्हें ये शॉर्टकट्स लगाकर हैंड रिटन नोट से दिए हुए हैं। तो प्लीज देखना उसमें कि जैसे एल्डिहाइड्स कीटोन्स है ना, आपस में तुम देखोगे कौन सी आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, राइट। जैसे पेयर्स मैम ने बताई हैं, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन्स है ना, वहां पे मिलेगा तुम्हें, तो साइनाइड आइसोसाइनाइड का मिलेगा, तो सारा उसको देखना। ओके, चेन आइसोमर्स में क्या होगा, अरेंजमेंट अलग होगा कार्बन चेन का, मतलब मेन पैरेंट चेन का जो अरेंजमेंट होता है वो अलग होता है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 एन ब्यूटेन है तुम्हारे पास, और यहाँ पर आइसो ब्यूटेन है ना, अरेंजमेंट अलग हो गया। पोजीशन के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो तो सब में ही सेम रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा कोई फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन बदल जाएगी। कार्बन स्केलेटन सेम है, पोजीशन बदल गई। अब यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स को भी अपन फंक्शनल ग्रुप में गिनते ही हैं, या वैसे जैसे OH ग्रुप तुमने पहले कार्बन पे लगा दिया और इसी में सेकंड पे लगा दिया, तो पोजीशन आइसोमर्स हो गए। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन उनके अंदर आने वाला फंक्शनल ग्रुप अलग है। तो इसी लिस्ट की शिल्पी मैम बात कर रही हैं जो मैम ने तुम्हें दी थी, जैसे अल्कोहल ईथर्स के साथ फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिखाते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ दिखाते हैं, एल्डिहाइड्स कीटोन्स के साथ दिखाते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी अमाइन्स और टर्शरी अमाइन्स आपस में दिखाते हैं। तो वो टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मैम ने सबकी सारी लिस्ट तुम्हें अटैच करके दी है, तो प्लीज उस नोट्स को डाउनलोड जरूर करना। मेटामेरिज्म में क्या होता है, मेटामर्स वहां बनते हैं जहां पे एक फंक्शन ग्रुप के अगल बगल जो एल्काइल चेन लगी हुई होती है वो अलग होती है। जैसे देखो ये ईथर है मेरे पास, तो एसिमेट्रिकल ईथर बना सकते हैं हम। देखो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप ईथर है, इसके लेफ्ट साइड एल्काइल चेन अलग है और राइट साइड अलग है, देखो डिफरेंट एल्काइल चेन है ना, तो ये मेटामर्स के अंदर आते हैं। ओके, या ऐसे इधर देखो इस केस में जो भी बनते हैं तुम्हारे, या यहाँ पर देखो इसकी दूसरी फॉर्म बना लो है ना, ऐसे 1 2 3 4 इधर बनाए हैं, तो एक ऐसे कर सकते हो, इधर एक ही कार्बन रखो, इधर 5 कर दो, ठीक है, लाइक दैट, समझ रहे हो। तो तुम बना सकते हो मेटामर्स ऐसे। यहाँ पर देखो एस्टर के लेफ्ट और राइट साइड यू विल बी गेटिंग द डिफरेंट एल्काइन चेन, ये मेटामर्स होते हैं। फिर रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है जिसमें सेम फॉर्मूला का कंपाउंड तुम्हें ओपन फॉर्म में मिल सकता है और रिंग के अंदर मिल सकता है। एल्कीन्स और साइक्लो एल्कीन्स को दिखाते हुए तुम्हें देख सकते हो क्योंकि इनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। टॉटोमेरिज्म इंपॉर्टेंट होता है, तो टॉटोमर्स की कंडीशन क्या है, पहली बात तो ये जो कंपाउंड है उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, हाँ, मतलब अल्फा कार्बन हो और उस अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन शुड बी प्रेजेंट ऑन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब इसमें होगा क्या, ये कंडीशन से ध्यान रखना, जैसे ये कार्बन है इसके बगल में ये अल्फा sp3 कार्बन, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा। तो होता कैसे, तुम नंबरिंग करके भी ये चीज कर सकते हो, जैसे अगर तुम नंबर दे दो यहाँ से 1 2 3 या ऊपर से, तो यहाँ पे करना क्या होता है, सिंपल शॉर्टकट होता है, ये जो हाइड्रोजन होता है ना इसको शिफ्ट कर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, इसको शिफ्ट करना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर, और ये जो डबल बॉन्ड होता है 2 3 का इसको 1 2 पे शिफ्ट करना होता है। मतलब इफ आई शो यू इट इज लाइक दिस, ये हाइड्रोजन तो कूद के इधर चला गया और ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, हो ये रहा है, ठीक है, हो ये रहा है, इसके अंदर कहानी ये चल रही है, देख सकते हो क्या हुआ। फिर से देखो ये हाइड्रोजन एसिडिक जो हाइड्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर जाके चिपक गया, ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड था ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया कार्बन कार्बन के बीच में, तो कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म मिल गई है ना, समझ रहे हो बात को, यस। तो ये जो रेडिली कन्वर्टेड बहुत फास्ट होता है, ये दो रेडिली इंटर कन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, यही तुम्हारे टोटोमर्स होते हैं, दिस इज कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म,
ठीक है, मोर एनर्जी इज रिलीज्ड जब ये बॉन्ड्स बनते हैं। तो ये और जगह भी देख सकते हो तुम, सिर्फ यही सिस्टम नहीं होता, सिर्फ 1-3 सिस्टम नहीं, तुम और भी में मतलब और ऑब्जर्व करते हो, 1-5 सिस्टम में भी पॉसिबल होता है, बट अभी के लिए मेंस में बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज फाइन। अब प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करोगे? ऐसा होता है गिवन कंपाउंड्स में ना तुम्हें चेन आइसोमेरिज्म भी दिख जाती है, पोजीशन भी दिख गई, मान लो फंक्शनल ग्रुप भी दिख गई, तो उसको कौन से आइसोमर्स बुलाएंगे? तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है। रिंग चेन की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, फिर टॉटोमर्स होते हैं, फिर तुम्हारे फंक्शनल होते हैं, फिर मेटामर्स, फिर चेन, और सबसे लास्ट में पोजीशन वाले होते हैं। ठीक है, ओके, चलो। फिर जीआई है तुम्हारा। अब जीआई अराइज होता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है जब एटम्स का या ग्रुप्स अराउंड अ डबल बॉन्डेड सिस्टम। इसकी कंडीशन सिंपल है कि भाई जो भी, जैसे ये है हमारा, है ना, डबल बॉन्ड, इससे जुड़े हुए ग्रुप्स अलग होने चाहिए। एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू वाई, ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी। ये ग्रुप्स जो अगल बगल जुड़े हुए हैं एक ही कार्बन पे, वो सेम नहीं होने चाहिए, वरना जीआई एग्जिबिशन नहीं होगा। ठीक है, और बहुत सारी केसेस है जिनमें अपन जीआई पढ़ते हैं, सिर्फ अपना कार्बन कार्बन एल्कीन्स में नहीं होता, है ना, और कंपाउंड्स में भी तुम देखते हो। तो ये चीज भी ध्यान रखना, ऐसे नहीं सिर्फ एक ही में तुम्हें हमेशा दिखेगा। ठीक है, अब नंबर ऑफ जीआई कैसे कैलकुलेट करने हैं, उसका मैम ने सिंपल फॉर्मूला अटैच किया है। अगर तुम्हारा एसिमेट्रिकल कंपाउंड है, एसिमेट्रिकल मतलब तुम अगर उसको बीच में से काट रहे हो तो दोनों बराबर हाफ में वो टूट रहा है, नहीं सॉरी, दोनों बराबर हाफ में नहीं टूट रहा है, दैट इज एसिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। जैसे यहाँ पे जो ग्रुप है, मान लो ये मिथाइल है और इधर इथाइल है, तो अगर बीच में से मैं देखूं कि मैम कुछ ऐसा प्लेन हो, तो ये मिरर इमेज नहीं बन रहे, इक्वल हाफ्स में नहीं टूट रहा, तो ये एसिमेट्रिक एल्कीन है ना। वहीं अगर ये चीज ऐसी होती कि एक ऐसा तुम्हें सिस्टम दे दिया, दोनों में ही मिथाइल है दोनों तरफ, और बीच में से काटूं अगर मैं, बराबर पार्ट्स में घट रहा है, तो वो तुम्हारा सिमेट्रिक होता है। तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि एल्कीन का जो सिस्टम तुम्हें दिया है ना, जो भी सिस्टम है, वो सिमेट्रिक में आ रहा है या एसिमेट्रिक में, है ना। अगर अनसिमेट्रिक होता है तो सिंपल अपना फॉर्मूला होता है जीआई कैलकुलेशन का, 2 raised to power n, जहां पे n होता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड शोइंग द जीआई। कितनी जगह पर तुम्हें जीआई दिख रहा है, जैसे एक यहाँ पर दिख रहा है और एक यहाँ पर दिख रहा है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 तुम्हारा आंसर निकल जाता है। अगर मान लो जैसे सिमेट्रिक है, तो जीआई का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर p-1। एन अगर इवन नंबर होता है, पी विल बी n/2, अगर एन ऑड है तो पी इज n+1/2। सिंपल है, ध्यान रखना इस चीज को, सॉर्टेड। चलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की बात करते हैं, जो कि हम बात करते हैं कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट उसके थ्रू पास कराते हैं, और अगर वो उस पीपीएल को रोटेट कर देता है, तो भाई साहब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर वो नहीं रोटेट करते हैं तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब मैम क्या हम हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को पोलैरिमीटर में डाल के चेक करेंगे? भाई इतना थोड़ी पॉसिबल होता है। तो हमने बोला नहीं भाई, एक काम करो, तुम कुछ कंडीशंस बना लो और कंपाउंड देखो और उन कंडीशंस को उस पे चेक करो। जैसे मान लो एक कायरल कार्बन तुम्हारे पास होना चाहिए, मस्ट हैव अ काइरल कार्बन एटम, एक ऐसा sp3 कार्बन जिसकी चारों वैलेंसीज अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जनरल मैम ने जस्ट तुम्हें लिख के दिखा दिया, जिसकी चारों वैलेंसीज अलग होंगी, ऐसा sp3 सेंट्रल एटम, ठीक है, वो काइरल होगा। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए, लाइक एनांचमर बनेगा उसका, कोई सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब मेजरली ये भी छोड़ के ना तुम सिंपल देख सकते हो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होना चाहिए, दे शुड बी एब्सेंट। ना कोई ऐसा प्लेन होना चाहिए, जैसे यहाँ पर देखो, मिथाइल मिथाइल, ठीक है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि ये वाला प्लेन अगर मैं इसमें डालती हूँ तो भाई साहब ये 2 equal halves में टूट जाता है ना। यही चीज अगर मान लो तुम ऐसा कोई देखते हो कंपाउंड, यहाँ मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इसके अंदर POS था ऊपर, इसके अंदर COS है, देखो यहाँ से डायगनल में जाओगे सेम माहौल मिल रहा है ना, कहीं से भी डायगनल डायरेक्शन में चले जाओ सेम माहौल बन रहा है, इसमें COS है, तो ये भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। तो ना POS होना चाहिए कंपाउंड में, ना COS होना चाहिए, अगर तुम चेक करना चाहते हो, है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब इसके लिए
भी तुम्हारे ऑप्टिकल आइसोमर्स के जनरल फॉर्मूला होते हैं कि तुम कैसे काउंट कर सकते हो। तो तुम्हें देखना है टर्मिनल ग्रुप्स अगर डिफरेंट होते हैं तो 2 की पावर n तुम्हारा फॉर्मूला बनता है, जहाँ पे n नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स है। ठीक है, अगर टर्मिनल ग्रुप सेम होते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे तो फॉर्मूला मिल गया। अगर टर्मिनल ग्रुप सेम हो गए तुम्हारे तो अगर n इवन है तो ये तामझाम करना पड़ता है सारा, ठीक है, और अगर n ऑड होता है तो ये तामझाम करना पड़ता है। ध्यान रखोगे इस चीज को? ओके, चलिए तो यहाँ पर हम अपना रिवीजन रैप करते हैं इस चैप्टर का। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मैम ने और चीजें अटैच करके दी है सेशन नोट्स के लिए, जैसे आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिसाइड करते हो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, है ना। यहाँ पे तुम देखते हो कि मैम अगर लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप अगर हमने वर्टिकल लाइन पे ड्रॉ किया है तो 1 2 3 4 जाने पे क्लॉकवाइज बन रहा है तो आर, एंटी क्लॉकवाइज है तो एस अपन देखते हैं, है ना। यही चीज अगर तुम देखते हो मिनिमम प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो 1 2 3 4 जाने पे आर आ रहा है तो उसको पलट के आंसर एस कर दो, एस आ रहा है तो पलट के आर कर दो, लाइक दैट, है ना। तो मैम ने ये अटैच किया है। इन छोटे छोटे पॉइंट्स को देख लेना, जैसे मेसो कंपाउंड्स कौन होते हैं, इनके पास दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर होते हैं लेकिन इनके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है जिसकी वजह से तुम देखोगे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। वैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का इनका रीजन होता है इंटरनल कंपनसेशन, नीचे लिखा हुआ है वैसे मैम ने, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से इनएक्टिव हो जाते हैं, यानी जितना डेक्स्ट्रो घूमता है उतना ही लीवो घूम जाता है, सो इट्स द सेम थिंग। अब ये बात को ध्यान से सुनो, जीओसी के आप जो नोट्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अभी डाउनलोड कर लीजिए, और साथ में मैम ने नीचे नोट्स के अंदर एक PYQs का DPP भी अटैच किया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही मैम ने अटैच किया है द वीक्वाइज डीपीपी। तो मेक श्योर आप उसको जरूर दें एंड टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर परफॉर्मेंस। ठीक है, शिल्पी मैम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू, बाय।